गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक फैमिली अपने बच्चे के एनुअल फंक्शन में गया। काफ़ी लोग आ चुके थे, काफ़ी सीट्स भर चुकी थी, आगे थी, वो लोग पीछे बैठे, पीछे काफ़ी सीट्स बाकी थी। बैठ गए, सब कुछ रेडी हो गया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और वो छोटी बच्ची, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वो खड़ी हो गई। सिर्फ पीछे से एक अंकल आए, क्यों हम लोग नहीं आए देखने के लिए, चलो बैठो, गुस्सा कर दिया। बच्ची मुँह फुला के चेयर पर बैठ गई। प्रोग्राम चल रहा है और वो सैड, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम एनुअल फंक्शन देखने के लिए गए, हम हमारा कितना सारा नाश्ता लेके गए, वहाँ गए गाड़ी में बैठ के, वहाँ जाके कितने धक्का मुक्के करके हम लोग वहाँ बैठे। क्या करने के लिए गए थे? एंजॉय करने के लिए। वो अंकल ने उस लड़की को डांट दिया तो उसकी जो खुशी थी प्रोग्राम देखने की, सारी बलू में से हवा जैसे निकल जाती है वैसे उसकी खुशियाँ उसके दिमाग में से निकल गई और वो बिल्कुल सैर होके ऐसे मुंडी नीचे करके बैठ गए। क्या चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, कौन बगल में बैठा है, कितनी खुशियाँ लोग मना रहे हैं, कुछ नहीं। फिर उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा अंकल की बात का बुरा नहीं मनाते, वो भी प्रोग्राम देखने आए हैं ना, उनको नहीं दिखा है आप खड़े हो गए तो, इसलिए उन्होंने आके आपको बोला, वो उनकी बात है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए आप खड़े हो गए, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। कौन सही कौन गलत ये हमें नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल, आपकी खुशी की चाबी आपके पास है या फिर वो अंकल के पास जो आके आपको डांट के चले गए। हम आए किस लिए यहाँ पे? हम खुशी लेने के लिए आए हैं, हम एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो खुशी की चाबी आपके पास है या अंकल के पास? बच्ची बोली, मम्मा खुशी की चाबी मेरे पास है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथों में कभी मत दीजिए। अपनी खुशी की चाबी हमेशा हमारी जेब में रखिए। कोई चुराना चाहे ना तो भी चुराने मत दीजिए, क्योंकि हमारा जीवन हमारा है। उन्होंने बोला, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी सोच थी, हमारी सोच हम पे निर्भर करती है। हमें खुश होना है, हमें नहीं खुश होना है, हमें शेयर होना है, ये हम डिसाइड करते हैं। वो बोल के चले गए, वो एंजॉय कर रहे हैं और हम शेयर क्यों? क्योंकि उनकी बात हमने दिल पे लगा ली। पहले आप सोचिए कि खुशी उनके हाथों में नहीं है हमारी, हमारी खुशी हमारे हाथों में है, इसीलिए हमारी खुशी की चाबी हमारे पास रखिए। इसी सच्ची सोच के साथ कीप स्माइलिंग। बाय बाय।